नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले यूपी जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको जितने भी प्रश्न करा हूँ उन प्रश्नों में से आपको जितने भी प्रश्न आते हैं उनका आंसर आप लिख लीजिए। अगर जिस भी प्रश्न का आपको आंसर पता नहीं है तो आप जहाँ नोट्स बना रहे हैं उसमें ये प्रश्न नोट कर लीजिए, क्योंकि यूपी जीके के आपको वो प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों का जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी यूपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख ले और उन्हें पता चल जाए कि कौन कौन से वो प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यूपी जीके का महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 46। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें तो बताइए कि इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिए गए जनपद, एक तरफ दिए गए कौन सा स्थान जो फेमस है एक जनपद एक उत्पादन के लिए, तो चलिए बताइएगा। तो इसमें से जो है गोरखपुर में खेलकूद के सामान बनाने वाला उद्योग गोरखपुर में नहीं है, ये उद्योग मेरठ में है, बाकी के तीनों हैं वो सही सुमेलित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही सुमेलित नहीं है। निम्न में कौन सा गलत युग्म है, तो बताइए इनमें से कौन सा है जो गलत युग्म है। कानपुर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है। मेरठ चीनी के लिए, अब खिलौने के लिए चीनी के लिए प्रसिद्ध है मेरठ। सहारनपुर कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है। तो वाराणसी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट के लिए मिर्जापुर चुनार। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर की थी, तो ये की थी छठवीं पंचवर्षीय योजना, किसमें छठवीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची एक का सूची दो से आपको मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 46 में, और यहाँ से आप देख लीजिएगा ऑप्शन बी आपके सामने नज़र आ रहे हो क्वेश्चन नंबर 46 में। तो चलिए मिलान करते हैं। तो इंडिया टेली इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, तो ये है रायबरेली, कहाँ पर रायबरेली में, तो ए का हो जाएगा दो। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, तो ये कहाँ पर है, तो ये है झांसी में, कहाँ ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, तो इसका हो जाएगा तीसरे से। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, ये कहाँ पर है, तो ये है कानपुर में, तो इसका हो जाएगा एक से। उर्वरक कारखाना, तो ये है फूलपुर में, कहाँ फूलपुर रायबरेली, इसका हो जाएगा चौथा। तो कौन सा हो जाएगा, दो तीन एक चार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि सूची एक का सूची दो से आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं सूची एक का सूची दो से। तो आगरा, आगरा किसके लिए है, तो आगरा है पर्यटन के लिए, किसके, आगरा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका हो जाएगा चौथे से मिलान। कानपुर किसके लिए है, तो कानपुर है चमड़े का सामान के लिए, तो इसका हो जाएगा एक से। मेरठ खेलकूद का सामान, तो इसका हो जाएगा दो से। और मुरादाबाद, ये पीतल के बर्तन के लिए फेमस है, तो ये धातु पात, इसका हो जाएगा तीसरे से। तो चार एक दो तीन, चार एक दो तीन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है, तो कहाँ पर स्थापित की गई है उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री, तो ये स्थापित की गई है नोएडा में, कहाँ नोएडा में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है, तो किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है, तो ये है खेल के सामान का, किसका, खेल के सामान का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई, तो कहाँ पर स्थापित की गई थी 1903 में प्रथम चीनी मिल, तो ये स्थापित की गई थी प्रतापपुर में, कहाँ प्रतापपुर में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हिंडाल्को स्थापित है, तो कहाँ पर स्थापित है हिंडाल्को ये आपको बताना है। तो हिंडाल्को स्थापित है रॉबर्ट्सगंज, कहाँ, और रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो कहाँ पर स्थापित है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, तो ये स्थापित है कानपुर में, कहाँ, कानपुर में है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, तो कौन से हैं उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र, तो ये हैं आगरा और कानपुर, कौन, आगरा और कानपुर हैं चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो तेल शोध कारखाना मथुरा में, ये बिल्कुल सही है। उर्वरक संयंत्र में आपको बता चुका हूँ कि उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है, फूलपुर में है, तो कहाँ पर है फूलपुर में। तो कालीन उद्योग के लिए भदोही फेमस है, एल्युमिनियम उत्पादन के लिए सोनभद्र, तो सुमेलित नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोफेसर सॉरी बिजनेस प्रोसेस आउटिंग रिसोर्स उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है, तो कहाँ पर है ये सबसे बड़ा केंद्र स्थित, तो ये सबसे बड़ा केंद्र स्थित है नोएडा में, कहाँ, नोएडा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना, तो ये स्थित है मथुरा में, कहाँ पर है मथुरा में है तेल शोधक कारखाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है, तो किसके लिए जाना जाता है मुरादाबाद, तो मुरादाबाद जाना जाता है पीतल के लिए, किसके, पीतल के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न युग्मों में से कौन एक सही नहीं है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा एक है जो सही नहीं है। तो ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ फेमस है, बिल्कुल सही है। कालीन उद्योग के लिए भदोही फेमस है, ये मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये बिल्कुल सही है। चूड़ी उद्योग के लिए शाहजहाँपुर नहीं, इसके लिए फेमस है फिरोजाबाद, कौन है फिरोजाबाद है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो सही सुमेलित नहीं है। और चिकन उद्योग के लिए लखनऊ फेमस है, ये भी बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं, तो किसे कहते हैं पीतल नगरी, तो पीतल नगरी कहते हैं मुरादाबाद, किसे, मुरादाबाद को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों से निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, तो कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों से, तो यहाँ किया जा रहा है कांच की चूड़ियों का उत्पादन, किसके, कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है फिरोजाबाद में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन जिला कालीनों के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा जिला है कालीन उत्पादन के लिए फेमस, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं पिछले दो क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो अगर आप लोगों ने वीडियो को तन मन धन से देख रहे हैं तो इसका आपको राइट आंसर पता चल चुका। तो कालीन उद्योग के लिए फेमस है भदोही जनपद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है, तो कौन सी वस्तु का प्रमुख उत्पादक है और यह जनपद, तो ये है देसी घी का, किसका, देसी घी का है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि निम्न में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयां हैं, तो कौन से जनपद में हैं लकड़ी से ढोलक बनाने की इकाई, यानी जहाँ पर लकड़ी से ढोलक सबसे ज़्यादा बनती हैं, तो वो जनपद है अमरोहा, कौन, अमरोहा जनपद है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि आपके ज़िले का इस वीडियो में नाम आया है कि नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम आप ज़रूर शेयर करिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।